माइंडट्री के रिजल्ट्स आ गए हैं। कंपनी ने 37.3% इंक्रीज इन प्रॉफिट पोस्ट किया है, फ्रॉम 343.3 करोड़ टू 471.6 करोड़। क्या सच में ऐसा है? जी नहीं, कंपनी ने कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में कैश फ्लो हेज का लॉस शो किया है ऑफ 201.1 करोड़। मीनिंग एक्चुअल प्रॉफिट जो आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है वो सही नहीं है और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एक्चुअली में सिर्फ 270.6 करोड़ ही है, विच इज नॉट गुड। वहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रो हुआ है बाय 33.7% फ्रॉम 2,363.5 करोड़ टू 3,160.6 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस में। माइंडट्री का एट्रिशन रेट टीसीएस से बहुत ज्यादा निकल कर आया है ऑफ 24.5%, जबकि टीसीएस का एट्रिशन रेट जस्ट बिलो 20 था। कंपनी के पास $10 मिलियन स्लैब के क्लाइंट 32 से 35 हो गए हैं और $20 मिलियन के क्लाइंट 14 से बढ़कर 18 हो गए हैं, विच इज गुड। ओवरऑल देखा जाए तो रिजल्ट्स बहुत ही खराब हैं। आने वाले टाइम में स्टॉक के प्राइस में और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। दौड़कर कोई भी बाय की पोजीशन इस स्टॉक में करेंटली ना बनाए, क्योंकि स्टॉक आने वाले दिनों में LTI के साथ मर्ज भी होने वाला है। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल एमटेक स्टॉक एनालिसिस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, क्या आपने 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाली 90 डेज की कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स विद एवरीडे लाइव मार्केट ट्रेडिंग के लिए सीट बुक किया? अगर नहीं तो कॉल करें 9926773766। थैंक यू फॉर वॉचिंग।